स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सी यू ई टी प्रोग्राम 2024. स्टूडेंट्स इन योर मॉक टेस्ट 2 वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन योर फर्स्ट वीडियो. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड वन पार्ट 2. सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. एट नाइट लॉक द आउटर डोर. देखिए एट नाइट लॉक द आउटर डोर इसका मतलब साफ है कि जब आप किसी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहते हैं यू आर रिक्वेस्टिंग द पर्सन. पहले तो रिक्वेस्टेड वाला आएगा यानी कि इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्टेड ज़रूर यूज़ होगा. आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट विल कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल कम प्लेस इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आउटर डोर पहले आएगा जो ऑब्जेक्ट है. उसके बाद हम टेंस देखते हैं लॉक यूज़ हुआ है ठीक है तो बिल लॉक की जगह हमने लॉक्ड यूज़ करना है लेकिन बी के साथ. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. द आउटर गेट इज़ रिक्वेस्टेड टू बी लॉक्ड. बाकी किसी में रिक्वेस्टेड यूज़ नहीं हुआ है और उसके बाद टू बी लॉक्ड एट नाइट दिस इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. अब ये सेगमेंट दिया हुआ है इसमें एक गलती है ग्रामेटिकल एरर है. पढ़ते हैं इसको. एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन. अब यहाँ पे बच्चे देखिए एवरी दिया है यहाँ पे वर दिया है तो एवरी के साथ वर नहीं आता है वॉज आता है. देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया हुआ है. ये देखिए डी पार्ट वर गिवन जो है ये इनकरेक्ट है इसे मैं मार्क कर रहा हूँ. डी ऑप्शन आपका आंसर है. सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनडेलिबल. इनडेलिबल का सिनोनिम इनडेलिबल होता है जिसे मिटाया नहीं जा सकता. इन इरेजेबल कहते हैं इसे. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. रॉन्गली स्पेल्ड क्वेश्चन नंबर 29. देखिए आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है आपने रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है. कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्क्योर कॉन्टेम्प्रेरी और कॉपरेशन सी ओ एन टी आर ओ वी ई आर एस आई ए एल जो फर्स्ट दिया हुआ है इन्होंने. सेकंड इज कॉन्क्योर थर्ड इज कॉन्टेम्प्रेरी एंड द लास्ट इज कॉपरेशन. ऑल द फोर आंसर्स आर करेक्ट. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है. एक्चुअली क्या होता है बच्चे जब हम टाइपिंग करते हैं टाइपिंग के टाइम पे जो एरर्स हैं वो खुद ब खुद जो है फिर से वापस रेक्टिफाई हो जाते हैं ठीक है. सो नन ऑफ दीज ऑल द फोर ऑप्शन आर करेक्ट. तो ऐसे भी पूछा जा सकता है जैसे आपके पास ऑप्शन नहीं ऑप्शन में नहीं है तो उसका आंसर नन ऑफ दीज होगा. दिस इज 29. Now there is a passage given. Passage is on the pigeon racing and it has become popular in China. तो देखते हैं अब इसके questions. इसमें blanks fill करने. Pigeon racing has become increasingly popular in the parts of China. फिर blank दिया है the country. Blank उसके बाद the country. Of China. कंट्रीज ओके कंट्रीज एलाइट एंड इट्स मिडिल क्लास फाइन. सो एमंग द कंट्रीज एलाइट एंड इट्स मिडिल क्लास. नेक्स्ट सन येन द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन. आगे ब्लैंक है दैट एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग एंड फिर ब्लैंक है 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन्स. पहले 1 लाख देखते हैं बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन फिर ब्लैंक दैट एटलीस्ट क्लैरिफाई टोल्ड एडवाइज या सैड. बताया है ना क्लैरिफाई किया है डाउटफुल तो थे नहीं. टोल्ड रिमोट पास्ट में यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में. एडवाइज भी नहीं किया इसका मतलब बताया है तो आंसर सैड आएगा बच्चे इसमें. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं यही सेम जो मैंने रीड किया 90,000 वाला. तो जब भी हम एक नंबर देते हैं हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं अलमोस्ट ठीक है अलमोस्ट बिकॉज हम क्लियर नहीं होते हैं. इट्स ये एक प्रोबेबिलिटी है या हम कह सकते हैं ये एक सेंसस हो सकता है ये एक रिकॉर्ड हो सकता है. सो इट कैन नेवर बी एग्जैक्टली द सेम ऑलमोस्ट. नेक्स्ट 33 कॉम्पिटिशन्स कैन बी ओके एसोसिएशन एट ब्लैंक लेवल्स डिफरेंट लेवल्स होता है. ऑप्शन डी है इसका आंसर डिफरेंट levels to qualify for the games held in the spring and autumn competitions can be lucrative for some for aage
ब्लैंक है, फिर ऑनर्स है, बर्ड ऑनर्स, ठीक है, बर्ड ऑनर्स। अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स भी लिखा है, लेकिन आगे जब ऑनर्स है तो दो प्लूरल्स एक साथ नहीं, बर्ड ऑनर्स। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 35th। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट, द ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब आपने अंडरलाइन सेगमेंट देखना है, उसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है फोर ऑप्शंस में से। अगर कोई भी आंसर आपको नहीं लगता है इसमें से है तो नो इम्प्रूवमेंट आपने लिखना है आंसर में जो आपके ऑप्शंस में दिया होगा। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। आप देखिए 2 आवर्स दिया हुआ है, 2 आवर्स मतलब टाइम की एडिशन है सेंटेंस में, तो जब टाइम की एडिशन होती है सिंस फॉर, ठीक है, तो हम इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। सो हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, दिस इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट 36th, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावणा ऑन दशहरा, आगे ब्लैंक है द बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स। यहाँ पे सिंपल है, सिम्बोलाइजेज, ठीक है, सिम्बोलाइज क्या करता है, बर्निंग ऑफ एविल्स। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर का मतलब है एक अनफ्रेंडली और एक इग्नोरेंस इग्नोर करने वाला बिहेवियर। वैन यू डेलिब्रेटली इग्नोर समवन, शो अ वेरी कोल्ड रेस्पॉन्स टूवर्ड समवन, इट मीन्स गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है। तो इसका सिंपल है आंसर इग्नोर समवन, इडियम्स और फ्रेजेस में से। अब आपने रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है, एक्सपायर, एक्सप्लेन, एक्सपीरियंस और एक्सेप्ट। इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से इसका आंसर नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे नन ऑफ दीज लिख सकता हूँ, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस को खुद से ही एरर ठीक कर दिया गया है। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एमिनेंट, एंटोनियम ऑफ द वर्ड एमिनेंट। अब देखते हैं वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। एग्जाल्टेड, इम्प्रेसिव, इनकॉन्स्पिशियस और डिस्टिंग्विश्ड। इसका आंसर आएगा बच्चे इनकॉन्स्पिशियस, एमिनेंट का। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जो क्लियरली विजिबल ना हो या अटेंशन ग्रैबिंग ना हो। इसके 2 मीनिंग्स है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। इनकॉन्स्पिशियस होता है विच इज़ नॉट क्लियर, समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। या हम ये कह सकते हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग ना हो, ठीक है, या अटेंशन अट्रैक्टिंग ना हो। तो एमिनेंट का ऑपोजिट देखना, एमिनेंट होता है वेरी क्लियर, ठीक है, एंड अटेंशन ग्रैबिंग भी होता है एमिनेंट। सो ऑपोजिट इसका इनकॉन्स्पिशियस आएगा, क्योंकि हमने एंटोनियम लिखना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देयर इज होप दैट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन, आगे ब्लैंक है, ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज। एक होप है कि बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट क्या करेगी, विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बचाने की कोशिश, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सुपरविजन भी नहीं है, गार्डिंग भी नहीं है, सेल्वेटिंग भी नहीं है, इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। 41, अब यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले 2 ऑप्शंस को याद रखिए क्योंकि पेज टर्न करना है। इनको आपने सीक्वेंस में लाना है टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, ठीक है। पहला है मैंगो, द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स, बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट है इट रिजल्टेड इन द प्राइस इज कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप मच टू द डिलाइट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। नेक्स्ट लास्ट है 2017 प्रूव टू बी वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ ए डी बी सी, लास्ट वाला। क्यों? सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास है, द फर्स्ट वन, दैट इज मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैंगो के बारे में बताया गया है, दैट मैंगो इज अ नेशनल फ्रूट एंड व्हाई इट इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैंने डी ऑप्शन करेक्ट किया है,
कि 2017 में क्या हुआ था. 2017 प्रूव टू बी वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स. उसके बाद मैं बी ऑप्शन देख रहा हूँ. बी ऑप्शन है देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स. बी ठीक है. उसके बाद मैं वापस आता हूँ सी पे. सी ऑप्शन यानी कि इट रिजल्टेड इन द प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स ग्रोइंग अप मच. जब यील्ड ज़्यादा हुई तो, जब प्रोडक्शन अच्छी थी. सो यहाँ पे ए डी बी सी आपका करेक्ट आंसर है. ए डी बी सी डी पार्ट. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन. एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन. जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है इसे एवियरी कहते हैं. ए वी आई ए आर वाई. जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाए, या तो बहुत बड़ा केज होगा. इट कैन बी आइदर अ बिल्डिंग और समथिंग एन एरिया दैट इज एनक्लोज टू कीप अ बर्ड टू कीप बर्ड्स सॉरी. इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स. अब आपने क्या करना है, ये जो सेगमेंट दिया हुआ है इसमें आपने ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. साइक्लोन आईडीए के बारे में बताया है. साइक्लोन एडीआई क्या था, वो एक वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो रिकॉर्ड किया गया था अफ्रीका और साउदर्न हेमिस्फीयर में. अब उसके ऊपर बताया हुआ है. देखिए कहाँ पे एरर है. साइक्लोन एडीआ इज रिगार्डेड द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन. जब भी हम द वर्स्ट लिखते हैं ना, ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे वन ऑफ द वर्स्ट लिखा हुआ है. साइक्लोन एडीआ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट. नहीं, इज द वर्स्ट, बिकॉज हम इसमें ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं. सो इट इज द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन. वन ऑफ द यूज नहीं होगा, तो इसमें गलती है. देखिए वन ऑफ द सॉरी सेकेंड पार्ट. तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन. ये रिप्लेस होना चाहिए. सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन एगनी. अब आपने वर्ड एगनी का एंटोनियम निकालना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड. ठीक है, एग्नी का ऑपोजिट क्या निकलेगा. एंजाइटी इसका सिनोनियम है. डिस्ट्रेस मिजरी इनके सबके ये सब सिनोनियम्स हैं. कंफर्ट इसका एंटोनियम है. एग्नी का ऑपोजिट होता है कंफर्ट. ठीक है. सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ट्रम्फ. ट्रम्फ का सिनोनियम, जब आप जीत हासिल करते हैं किसी पर, व्हेन यू आर विक्टोरियस इज इट मीन्स विक्ट्री. ठीक है, जीत हासिल करना. सो ऑप्शन ए आपका आंसर है. सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. अब फिर से पैसिव दिया हुआ है, आपने एक्टिव फॉर्म जो है फाइंड आउट करनी है. 46 सी पार्ट. देखिए दियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर. दियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर. अब देखिए यहाँ पे वर ब्रॉट अप, ठीक है, व के साथ जो है ब्रिंग की फॉर्म यूज़ हुई है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दे हैव बीन ब्रिंगिंग, पहले हैव बीन तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऊपर आईएनजी फॉर्म नहीं है. ठीक है, हैड ब्रॉट नहीं, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस में जा रहे हैं पैसिव से. सो हमें वर्ब को रिप्लेस करना है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से. अब कैसे लिखेंगे, दे ब्रॉट अप दियर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर. क्योंकि हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन लेता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. सो द करेक्ट आंसर विल बी दे ब्रॉट अप दियर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर. ठीक है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है. आप क्वेश्चन को छोड़ देना, आप ऑप्शंस पे आ जाना. पहले ऑप्शंस पे जब उल्टा हो, तो मतलब जब पैसिव से एक्टिव में जाना है, कम टू द ऑप्शंस और यहाँ पे इनको सॉल्व करते जाओ, इनकी पैसिव वॉइस बनाते जाओ. समझ रहे हैं बात आप. ठीक है, इनकी पैसिव वॉइस बनाते जाओ. पैसिव वॉइस जब बनाएंगे आपका ऑप्शन निकल जाएगा. अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बनाता हूँ, देखो दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर. ठीक है, मैं पहले ऑब्जेक्ट को अंदर लाता हूँ, सब्जेक्ट की जगह आ गया दियर चिल्ड्रन. डियर चिल्ड्रन अब है ब्रॉट. ठीक है, इसमें वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो हम डियर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर ब्रॉट आएगा. डियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट. अब उसके बाद आएगा जो सब्जेक्ट था, उसे ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं. डियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर. दे ब्रॉट अप डियर चिल्ड्रन विद ग्रेट केयर. डियर चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर. तो मेरा इसका पैसिव वॉइस यहीं निकल गया, तो मैं आराम से
देख लूँगा कि ये इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं है, ठीक है। रादर देन फाइंडिंग आउट कि ऑप्शंस क्या है और आंसर क्या है, आप उन्हीं ऑप्शंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए जल्दी से, तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ अ टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी, व्हाट इज दिस, टॉम होगा ये, टॉम स्टोन है बच्चे, इसको देख लो, टॉम स्टोन। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन अ टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डेड और डिसीज्ड। जब हम कोई किसी की डेथ होती है, ठीक है, उसे जब व्हेन ही और शी इज बरीड, उसके बाद जो हम मेमोरी में इंस्क्रिप्शन लिखते हैं किसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, स्टोन के ऊपर जो हम इंस्क्रिप्शन लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एपिटैप कहते हैं, EPITAPH। एपिटैप इज द वर्ड यूज फॉर द इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ द डेड और डिसीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस लाइक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब चार दिए हैं जम्बल्ड, इनका करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है। अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस, देयर इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड। द रीजन इज दैट 24% ऑफ इंडिया यूजेज द मोस्ट ग्राउंड वाटर रन आउट ग्लोबली। अब इसको हम सीक्वेंस में जब लाते हैं 48 को, तो लॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले इंडिया सफ़र हो रहा है वर्स्ट वाटर क्राइसिस से, सबसे पहले बी आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम बताई जाएगी, उसके बाद एक डेटा होगा कि कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में है। इसका मतलब ए ऑप्शन अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव देयर, ठीक है। उसके बाद एक कंपैरिजन दिया है, देयर इज़ इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड के बाद, द रीज़न इज़ दैट 24% इंडिया यूजेज द मोस्ट अंडरग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ इन्होंने कौन सा पार्ट, डी पार्ट, ठीक है, द रीज़न इज़ दैट 24%। रीज़न बताया हुआ है कि 600 मिलियन लोग जो है एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में क्यों हैं, सो बी ए के बाद डी, और डी के बाद द लास्ट वन इज सी, फिर सी ही बचता है, दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड, फिर कंपैरिजन दिया, सॉरी, बी ए डी सी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, बी ए डी सी। तो देखते हैं कहाँ पे आंसर है, बी ए डी सी, सी पार्ट है बच्चे, बी ए डी सी आपका सी पार्ट में आता है, दिस वन। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब देखिए, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ इट इम्प्रूव को। हम कंडीशनल क्लास में हैं अभी, कंडीशनल क्लास में जीरो कंडीशनल पे, इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज, यू के बाद लिसन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। जब भी कंडीशनल क्लास यानी कि इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, तो इसके सेकंड पार्ट, सेकंड फेज में हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। सो द आंसर विल बी इट विल इम्प्रूव, ए पार्ट है इसका, इट विल इम्प्रूव। तो लास्ट है बच्चे, अब सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, मोस्ट appropriate वर्ड ऑफ द गिवन idiom। अब आपके पास चार ऑप्शंस है, पुल योर सेल्फ टुगेदर आपका एक्सप्रेशन है, पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसके चार ऑप्शंस है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस idiom, appropriate मीनिंग ऑफ द idiom, पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन, इसका मतलब होता है किसी को पैसिफाई करना, ठीक है, मीन्स टू पैसिफाई समवन, टू काम डाउन, या हम कह सकते हैं टू रिकवर कंट्रोल ऑफ वन्स इमोशंस, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम काम डाउन, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।